ये कौन से पुलिस वाले हैं? आग लगा दे पुलिस वालों को। अगर ऐसा ही हुआ हिंदुस्तान में तो हमारी गाड़ियों को जलाओ। ड्राइवरों के ऊपर इतना जुल्म हो रहा है, इतना जुल्म हो रहा, मैं बोल रहा हूँ इसको कानून को आग लगाओ। ये देखो गुंडागर्दी है, अगर हमारे को इंसाफ नहीं मिलेगा तो आग लगा दो इनको। हमारे साथ ना इंसाफी हो रही है, मैं आपको पूरा गाड़ी एकदम जला दूंगा। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नितिका और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। कच्चे माल से भरी गाड़ी को जब कोई रुकवा ले या फिर उनकी गाड़ी ब्रेकडाउन हो जाए तो ऐसे में ड्राइवर पर क्या बीतती है, ये आप हमसे बेहतर जानते हैं। खैर, आज की इस खबर में हम आपको दिखाएंगे कि जब ड्राइवर का ट्रक खराब हुआ और ऊपर से चालान करने के लिए पुलिस आ गई तो कैसे भड़का ड्राइवर और कैसे उसने सबको सवालों के घेरे में घेर लिया। दरअसल ये घटना पश्चिम बंगाल के दानकुनी टोल प्लाजा से है, जहां श्रीनगर से कोलकाता सेब लेकर जा रहे ट्रक के ड्राइवर को न केवल गाड़ी की तकनीकी खराबी से जूझना पड़ा बल्कि पुलिस की कार्रवाई ने उनकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ा दी। आपको बता दें कि मेहराज दिन नाम के ये ड्राइवर श्रीनगर से कोलकाता की ओर जा रहे थे। 21 नवंबर 2024 को दानकुनी टोल प्लाजा के पास अचानक उनकी गाड़ी में समस्या आ गई। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि ट्रांसपोर्ट मॉल से बीमा करवाने पर पाए 5 लाख का एक्सीडेंटल बीमा बिल्कुल फ्री। पूरी जानकारी के लिए अभी व्हाट्सएप करें 9083190831 पर। उन्होंने बताया कि गाड़ी की बैटरी फट गई थी जिससे आग लगने की स्थिति पैदा हो गई थी। जब गाड़ी खराब हुई तो मेहराज तुरंत पास के एक मैकेनिक की दुकान पर आ पहुंचे। दुकान बंद थी तो मैकेनिक को फोन मिलाया, उसे वहां जल्दी से बुलाया। इतने में मौके पर ट्रक के पास बाइक से पुलिस आ पहुंची। उन्होंने ड्राइवर की समस्या को समझने के बजाय उनका 2500 रुपए का चालान काट दिया। थोड़ी दूरी पर खड़े ड्राइवर को जब फोन पर इसका मैसेज आया तो ड्राइवर मौके पर आ पहुंचा, जिसके बाद ड्राइवर ने आकर कर्मियों को ही पकड़ लिया। देखिए ये वीडियो। सर, अगर गाड़ी खराब है आपने क्यों चालान लगाया पुलिस को? मगर हमारे पास जब पुलिस नहीं आ गया तो हम क्या करेंगे? आप भी हमारा वीडियो उठाओ। पुलिस मैं भी जाऊंगा ना कोर्ट में। हाँ, सही है। मगर हम कहाँ से लाएंगे पुलिस को? आप तो बाइक पे आ गया, आप तो बाइक पे आ गए ना। जब आप बाइक पे आ गए ना, हमने आपको पूछा। नहीं, ये देखो, अगर खुला रोड है, ये टोल प्लाजा पे खुला रोड है, ये देखो बैरियर लगा हुआ है, ये देखो हमारी गाड़ी साइड में है। आप आ जाओ, अगर हमारी गाड़ी सिट आउट होगी मैं आपको पूरा गाड़ी एकदम जला दूंगा। मैं पूरा, हाँ, सुबह से, अभी सुबह से नहीं, हमारा बंदा भी गया है, हमारा मैं दिखाऊंगा ना, मैं चालान भी दिखाऊंगा। अगर ऐसा ही हुआ हिंदुस्तान में तो हमारी गाड़ियों को जलाओ। फिर यही रूल है हमारे को, ये देखो, आपने चालान किसको किया? चालान आपने कैसे किया? ये देखो सर, हम लोगों की कोई गलती नहीं है, हमने ना इनके साथ हाथापाई किया, ना कुछ किया, ना इन्होंने हमारे साथ हाथापाई किया। हमने इनको सीधा बोला कि चालान क्यों किया। ये देखो गुंडागर्दी है, अगर हमारी गाड़ी खराब है इनको हेल्प करना चाहिए, ड्राइवर को हेल्प करना चाहिए, ताकि इन्होंने हमारे ऊपर चालान ऐसे ही किया। ये कौन सा कानून है? ये कौन सा ट्रैफिक वाले हैं? ये कौन से पुलिस वाले हैं? आग लगा दो इन पुलिस वालों को। अगर हमारे को इंसाफ नहीं मिलेगा तो आग लगा दो इनको। हम मीडिया वाले अभी बुला रहे हैं, हम उनको बताएंगे, हमारे पास लाइसेंस भी होगा, मीडिया आएगा, हम लाइसेंस भी दिखाएंगे। हम दानकुनी टोल प्लाजा पे इस समय खड़ा है, हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, हमारी गाड़ी खराब है, हमारे को ऊपर से बोल रहे हैं। अगर ऑनलाइन हो गया तो लाइसेंस बोल रहे हैं, लाइसेंस दिखाओ, तो ऑनलाइन किस चीज का है? अगर हम 5000 किलोमीटर आ गए तो बिना लाइसेंस के आएंगे? अगर हमारे को ये देखो, हम ड्राइवरों के ऊपर इतना जुल्म हो रहा, मैं बोल रहा हूँ इसको कानून को आग लगाओ इस कानून को। अगर ऐसे कानून हमें नहीं चाहिए, ड्राइवर को नहीं चाहिए। उन्होंने कहा, इतनी दूर श्रीनगर से हम माल लेकर आए हैं, क्या हम बिना लाइसेंस के सफर करेंगे?
आप चालान काटने के बजाय हमारी मदद क्यों नहीं कर रहे। गुस्से में आकर उन्होंने ये तक कह दिया, अगर चालान काटना ही है तो गाड़ी में आग लगा दो, इससे अच्छा तो यही होगा। यही नहीं, इसके बाद ड्राइवर ने मीडिया को बुलाकर इंसाफ मांगा और पूछा अगर रास्ते में ट्रक खराब हो जाए तो इसमें उनकी क्या गलती है। लेकिन वही पुलिस का कहना ये था कि अगर गाड़ी में कोई दिक्कत थी तो क्या आपने पुलिस को बुलाया। अक्सर हमने देखा है जब भी ट्रकों की चोरी होती है तो कोई FIR नहीं लिखता, तो ऐसे में ड्राइवर कैसे विश्वास करेगा पुलिस पर। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ड्राइवर का जो चलान हुआ वो चंदन नगर ट्रैफिक पुलिस ने किया है। सेक्शन 122-177 के तहत 500 रूपए नो पार्किंग का चलान है और सेक्शन 179 के तहत 2000 रूपए डिसोबेडियंस ऑफ ऑर्डर एंड ऑब्स्ट्रक्शन का किया गया है। क्या ये चलान जायज है, कमेंट में जरूर लिखें। आगे ड्राइवर ने बताया कि वे पहले ही गाड़ी की खराबी और बैटरी के खर्चे से परेशान थे, ऊपर से पुलिस की इस कार्रवाई ने तो उन्हें और मुश्किल में डाल दिया। उन्होंने आगे कहा कि गाड़ी में धमाका हुआ और मैंने गाड़ी को जलने से बचाया। ये ऐसी स्थिति थी जहां पुलिस को मदद करनी चाहिए थी, खैर उनकी मदद के बजाय उन्होंने चालान काट दिया। क्या ये सिस्टम की क्रूरता को नहीं दर्शाता, सुनिए ये वीडियो। अरे मेरी गाड़ी दानकुनी टोल पे खराब हो गई है गाड़ी, आप चाहो तो देख सकते हो, मिस्त्री अंदर लगा है। पुलिस वाला आ गया, 500 रुपया मांगा, मैं गया था मिस्त्री ढूंढने के लिए, इधर 10 ड्राइवर मौजूद है, 10 के 10 को पूछो, अगर बात गलत हो तब बता देना। गाड़ी तो रोड पे खराब हो सकती है, पर मैं गया मिस्त्री ढूंढने, इतने टाइम पुलिस आ गया, फोटो उठाया, 12,000 का चालान काट दिया, ये कौन सा कानून है? चेक कर सकते हो गाड़ी, ये देख गाड़ी भाई टोल के अंदर है, बिल्कुल रोड के बहुत अंदर है, पुलिस वालों ने इतना, ये इतना देखो मिस्त्री अंदर बैठा हुआ है, ये देखो गाड़ी में, ये दानकुनी टोल पे गाड़ी खड़ी है, दानकुनी टोल वाला जो पुलिस वाला है उसने आके चालान उठाया, मैं गाड़ी के पास नहीं था, मिस्त्री के पास गया था, गाड़ी में कच्चा माल भर के था, इसलिए थोड़ा जल्दी में था, मिस्त्री के पास चला गया। इस घटना में महराज को अपनी गाड़ी की बैटरी बदलवाने के लिए 9,000 रूपए खर्चा करना पड़ा और ऊपर से 2,500 का चालान हो गया। इस घटना ने एक बार फिर ये दिखाया कि हमारे सिस्टम में किस तरह से क्रूरता हावी है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ड्राइवरों की परेशानियों को कभी गंभीरता से नहीं लिया जाएगा। अब ड्राइवर ने राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से इस मामले में न्याय की गुहार लगाई है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके क्या विचार हैं वो आप हमें जरूर बताएं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करें और खबरों के लिए फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। ट्रांसपोर्ट टीवी को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं संत कुमार बंजारा सिवनी मध्य प्रदेश से हूँ और मैं ट्रांसपोर्ट टीवी से 3 साल से जुड़ा हुआ हूँ। किसी भी प्रकार की गाड़ियों के लिए जो ट्रांसपोर्ट मॉल ने एक बीमा पॉलिसी लागू किया है, तो आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि बीमा अपनी गाड़ियों का ट्रांसपोर्ट मॉल से खरीदें और सिक्योर बीमा है, आप सभी के लिए बहुत सुरक्षित भी रहेगा और पूर्ण रूप से जानकारी भी दिया जाता है। उनका जो नंबर है 90831 से जरूर संपर्क करें। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ ट्रांसपोर्ट टीवी का और ट्रांसपोर्ट मॉल का, जो हर वक्त हमेशा ड्राइवरों की और चालक मालकों के लिए आवाज उठाते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें गाड़ियों के नंबर 90831 90831 पर, आप भरोसा कर सकते हैं हम पर।